साइकोलॉजिकल डाइट, डाइट मिथ्स एंड फैक्ट्स। कई लोग ये मानते हैं कि आपको वेट लॉस करने के लिए कार्ब्स कट करने पड़ेंगे, क्या ये 100% सच है? नो। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ये सच है कि आपको टोटल नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कम करने चाहिए ताकि आपकी बॉडी को इनफ प्रोटीन मिले। इसका मतलब ये नहीं कि आप कार्ब्स जीरो खाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि प्रोटीन से भी कम कार्ब्स खाएंगे, नहीं। आपको कार्ब्स चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए। आपको कार्ब्स और प्रोटीन का रेशियो 1:2 या 1:3 का मेंटेन करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा वेट लॉस करना है तो 1:1 में करिए, मगर करिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो कार्ब्स को आप जितने कॉम्प्लेक्स कार्ब लेंगे उतना अच्छा, स्लो एब्जॉर्बिंग कार्ब लेंगे उतना अच्छा, लेकिन कार्ब्स को जीरो करना इज नॉट राइट। सिंपल कार्ब्स आपको कट बैक करने हैं, सिंपल शुगर्स आपको कट करनी है, उसके बगैर वेट लॉस नहीं होगा, दैट इज ट्रू। सो ये हुई इस मिथ की बात। फिर लोग एक और मिथ बहुत ईजी आ जाता है कि लोग करते हैं लो फैट या नो फैट लिखी हुई चीज़ें खाते हैं जोरदार लगा के, भाई मैं तो लो फैट खा रहा हूँ, मैं तो बढ़िया रहूँगा, मैं तो लो फैट नो फैट खा रहा हूँ, मैं तो ठीक रहूँगा, बट ऐसा कुछ नहीं। आपको लो फैट शुगर जो जिसमें लो फैट लिखा है या नो फैट लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें स्टार्च नहीं होगा, उसमें शुगर नहीं होगी, उसमें सॉल्ट नहीं होगा, उसमें कार्ब्स नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं है। जिसमें भी ये सब लिखा है वो वंडर फूड जैसे बताते हैं, इससे मैं पतला हो गया, एड्स आती है, दैट्स रॉन्ग, राइट। रिमेंबर, शुगर फ्री बिस्किट्स में भी मैदा है, राइट। जीरा बिस्किट्स में भी मैदा है, जीरा बिस्किट सिर्फ जीरा से नहीं बनते, वीट बिस्किट सिर्फ वीट से नहीं बनते, सो डोंट फॉल फॉर दीज थिंग्स। ये फैट डाइट्स, ये गलत चीज़ें हैं। न्यूट्रिशन लेबल पढ़ते हो तो समझो कार्ब्स क्या है और फैट्स क्या है और प्रोटीन क्या है। सो बिस्किट्स, ब्रेड्स एंड बेकरी कम से कम खाना चाहिए, खाएं भी तो इसको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वाले खाने चाहिए। फिर कई लोग सोचते हैं कि अगर हम ब्रेकफास्ट के बारे में बहुत गलत सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं ब्रेकफास्ट अगर हमने स्किप कर दिया तो हमारा वेट गेन हो जाएगा बिकॉज बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, ब्रेकफास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग सोचते हैं मैं ब्रेकफास्ट कर लिया और ब्रेकफास्ट स्किप किया तो पतले हो जाऊंगा क्योंकि इंटरमीडियंट फास्टिंग हो जाएगा तो मेरी बॉडी ज़्यादा वेट लॉस करेगी, ऐसा नहीं है। ये बात याद रखिए, ऑल 24 आवर्स के बीच में कितना खाना खाया, कितनी टोटल कैलोरीज इंटेक करी, उस पर टोटल कैलोरी डेफिसिट पे डिपेंड करेगा कि आपका वेट लॉस होगा कि नहीं होगा। एक मील स्किप कर दिया और बाद में बहुत ज़्यादा खा लिया, बहुत ज़्यादा शुगर खा लिया, तो आपका वजन कम नहीं होगा, रिमेंबर दैट। सो ये बहुत बड़ा मिथ है जो लोगों को नहीं समझ रहा। इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन दिन में कितनी बार खा रहे हैं, इट डिपेंड्स अपॉन पूरे दिन में कितना टोटल कैलरीज फूड आपके अंदर गया। ये भी डिपेंड नहीं करता कि आपने कितनी बार खा, एक बार में इंसान 350-400 कैलरीज वाला खाना खा सकता है, जी हाँ पॉसिबल है। तो एक बार में इतना खा लिया तो भी आपका वजन नहीं बढ़े, बल्कि कम नहीं होगा, बढ़ेगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स नॉट अबाउट कितनी बार, इट्स ऑल अबाउट कितनी कैलरीज टोटल खाई है, कैलरी डेफिसिट है कि नहीं। फिर लोगों को ये लगता है, एक मिथ और है कि रात को खाना खाएंगे तो आप मोटे होंगे, 7 बजे के बाद खाना खाएंगे तो मोटे होंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगेन यही बात उसमें भी अप्लाई करती है, पूरे दिन में कितनी कैलरीज खा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। अगर आपने पूरे दिन में कुछ नहीं खाया और 7 बजे के बाद खाना खाया और कम खाना खाया तो क्या आप मोटे हो जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं। सो द पॉइंट इज, पूरे दिन में कितनी कैलरीज आपने खाई है उस पर डिपेंड करेगा कि आप मोटे होंगे कि नहीं होंगे। रात को क्या खाना चाहिए, वेट मेंटेनेंस, मसल मेंटेनेंस के लिए रात को दूध, केसिन, प्रोटीन जरूर लेनी चाहिए। वो स्लो एब्जॉर्बिंग है, बॉडी को कंटिन्यूस प्रोटीन सप्लाई देता है ताकि आपकी बॉडी मसल लूज ना करे। अब कई लोग कहते हैं कि दूध पीऊंगा रात को तो मैं मोटा हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगेन डिपेंड करता है, आपको ये समझना जरूरी है कि रात को आपने कार्ब्स ज्यादा नहीं खाने हैं। कार्बोहाइड्रेट अगर आप ज्यादा खाओगे, मीठा, शुगर, स्वीट्स, गुड़, चीनी, शक्कर, डेजर्ट्स, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, ये सब खाएंगे तो ऑब्वियसली मोटे होंगे। आपको समझना होगा क्या खाएं क्या ना खाएं, कैलरीज क्या होती है, सिंपल शुगर्स, कॉम्प्लेक्स शुगर्स, ये सब को समझ के ही आप कर सकते हैं। सिंपल स्वीट्स को मना करिए, कॉम्प्लेक्स का आप थोड़े बहुत खाइए, प्रोटीन खाइए हर बार, और केसिन, रात को केसिन प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन चाहिए। सो इसके इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दिस, राइट। फिर कई लोग कहते हैं कि अगर आप का वजन ज्यादा है तो आप हेल्दी नहीं है, ऐसा नहीं है। आप ओवरवेट होके भी हेल्दी हो सकते हैं। मैंने कई बार बताया है कि फैट और मसल को एक साथ रखें तो फैट की आधा उतना ही क्वांटिटी में 3 गुना उसका हैवियर है, मसल इज 3 टाइम्स हैवियर देन फैट। तो एक ही अगर जितना वॉल्यूम लेंगे
तो फैट आप पतले होते जाएंगे लेकिन मसल बढ़ेगा तो आपका वजन कम नहीं होगा। मान लीजिए आप मोटे हैं, आपका फैट लॉस हो रहा है, मसल गेन हो रहा है, दोनों साथ में हो सकता है क्या? पॉसिबल है, मसल मेंटेन रह सकती है, फैट गेन हो सक फैट लॉस हो सकता है, दोनों चीज में एक साथ दोनों चीज नहीं होगी। एक दिन फैट लॉस हो या दूसरे दिन मसल गेन हुआ तो उसके साथ में ऑल टुगेदर एक हफ्ते में थोड़ा मसल गेन और फैट लॉस दोनों साथ में होगा, ऐसा पॉसिबल है। ऐसे केस में फिर आपका होता क्या है, वेट सेम रहता है लेकिन कपड़े पतले होने लग कपड़े ढीले होने लग जाते हैं। सो यस, ओवर वेट होना कंपलसरी नहीं है कि आप अनहेल्दी आप मोटे हैं, जरूरी नहीं है। देन नेक्स्ट मिथ, फास्टिंग। फास्टिंग करके मेरा पतला हो जाऊंगा जल्दी फास्टिंग से के अलावा कोई और तरीका नहीं है, बिल्कुल गलत है। फास्टिंग इज अ गुड वे टू अचीव कैलोरी डेफिसिट। जब आप फास्टिंग रेगुलर करते हैं तो कैलोरी डेफिसिट यानी पूरे दिन में टोटल कम खाना खाने में आपको ज्यादा आसानी होती है, लेकिन टोटल कम खाने खाए बगैर आप पतले नहीं हो सकते, ये बेसिक बॉटम लाइन है उसकी। अगर आप फास्टिंग करके ज्यादा खाना खा रहे हो तो आप पतले नहीं होंगे, राइट? देन अगर आप ये बोलते हैं, कई लोग को लगता है कि एक बहुत बड़ा मिथ है कि स्लो वेट लॉस करेंगे तो ही वेट लॉस परमानेंट होगा और वो हमेशा परमानेंटली रहेगा, ऐसा भी नहीं है। क्या होता है, ये बहुत जरूरी चीज है कि जल्दी वेट लॉस करेंगे तो साइड इफेक्ट्स होंगे, आपका स्किन लूज होंगी, स्किन लैश सैग होगी, स्किन में व्रिंकल्स आएंगे, आपको फैट लॉस अच्छा हो रहा है, साथ में मसल लॉस होगा, साथ में आपका हेयर लॉस होगा, बॉडी में काफी हद तक क्रोनिक चेंजेस आएंगे, साइड इफेक्ट्स आएंगे। स्लो वेट लॉस में ऐसे ऐसे साइड इफेक्ट्स कम आते हैं, लेकिन द पॉइंट इज अगर आप कोई भी वेट लॉस स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं तो वो अपनानी है आपको लॉन्ग टर्म। अगर आप कोई शॉर्ट टर्म वेट लॉस स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने वाली, आपको लॉन्ग टर्म वेट लॉस स्ट्रैटेजी लेनी पड़ेगी जो लंबे समय चला सकें, लंबी डाइट ले सके, ऐसी डाइट जो लॉन्ग टर्म ले सके, तभी आप कामयाब हो पाओगे। सो ये भी हुई बात दोस्तों मोस्ट कॉमन डाइट मिथ्स की। अब आपके सवाल लिख लीजिए, जिनके भी कोई सवाल है जरूर आंसर देने की कोशिश करेंगे।